हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं सुबह सुबह बना रही हूँ, और सुबह सुबह बनाने का रीज़न ये है ना कि कल रात को जब मैं सोने गई ना, 12 12:30 के लगभग, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। मैं इतनी शॉक्ड थी क्योंकि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो मेरी अगर आप रियल इंस्पिरेशन बोलोगे ना तो वो रमा दी हैं। मुझे उनके व्लॉग्स, उनके वीडियोस इतने अच्छे लगते थे ना कि एक सिंपल हाउसवाइफ होकर भी बहुत अच्छे से उन्होंने व्लॉगिंग किया, कुकिंग भी अच्छा करती थी, रेसिपी तो सब कुछ बहुत अच्छे से। उनका वीडियो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। उनको ही देखते 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 मैंने फिर खुद की वीडियोस बनानी स्टार्ट की। बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए क्योंकि मैंने उनको भी, उनके प्रीवियस वीडियोस को मैंने देखा कि कामयाबी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही चीज़ से मिले। आपको, आपके ऑडियंस क्या देखना पसंद करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। तो वही है, मैंने बहुत कुछ ट्राई करती रहती हूँ। चलो छोड़ो, मेरी बात मैं नहीं करूँगी। बट आज रमादी ने कोई एक, परसों 2 दिन पहले कोई एक पोस्ट डाला था तो उस पे लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं, अपने मर्जी से डिसीजन दे रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये वो। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी ये वीडियो शूट कर रहे हैं ना, वो उनके कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होकर वीडियोज़ बनाते हैं और तभी उनके बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई किसी के बारे में बात नहीं करता है। तो मैं बस यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि अपनी लाइफ में हर कोई परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, हो जाता है। हम जिस चीज़ से जुड़े होते हैं, जो व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता है वो व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देता है, तो यूट्यूब से ज़्यादा जुड़ी हुई है तो उन्होंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, तो बस वो सिंपल है। और उन्होंने उसके बाद उसको डिलीट भी किया। हो जाता है, कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो कर देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर इतना एलेबोरेट करो, किसी को इस तरीके से करो, या फिर झूठी झूठी अफवाह फैलाना कि उसने सुसाइड कर लिया, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसके ससुराल अच्छा नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने लाइफ में परेशान है, बट प्लीज़ आप ये सब नेगेटिविटी ना फैलाओ। और ख़ासकर जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनसे आप कुछ सीखते हो अपनी लाइफ में, उनके लिए तो और ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करो, अच्छी अच्छी बातें करो। करना है तो अच्छे पोस्ट करो उनके बारे में कि वो मोटिवेट हो, वीडियोज़ बनाए, हम सब उनसे कुछ सीखें, हम उनसे इंस्पायर हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सबके लिए अच्छा करें आप लोग, अच्छा सोचें, निगेटिविटी ना फैलाएं, खासकर उस इंसान के बारे में जिनसे लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी। रमा दी, आप बहुत अच्छी हैं, भैया भी बहुत अच्छे हैं, आयान भी बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हमारे भी आती है, सबके आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो बस यही है, सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, निगेटिविटी ना फैलाएं। जल्दी दी का वीडियो आएगा, मुझे विश्वास है कि दी ज़रूर वीडियो बनाएंगी और वीडियो हमारे साथ शेयर भी करेंगी। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे ही दी का वीडियो आता है सब लोग तो खुश हो ही जाएंगे। और उसके अलावा मेरे वीडियोस को भी आप सब इंजॉय कीजिए, प्यार दीजिए। मेरे ब्लॉग्स और बाकी वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा। चलिए, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखें।